देखो सांप अच्छा। अच्छा आप ही लोग फोन किए थे? हाँ, कहाँ देखा जा रहा, जरा दिखलाइए तो। यही जगह में जंगल तो। कहाँ पर? ओहो, ये यहाँ देखा गया है। दोस्तों ये खैर कियारी ग्राम है और हमारे खैर कियारी ग्राम के लोग सांप नहीं मारते हैं। इन लोग का काम है कि अगर सांप कहीं घर में घुस जाए, कुआं में गिर जाए या माछ का जाल में फंस जाए तो ये लोग हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रखे हैं और उसके माध्यम से हम आते हैं। सांप को नहीं मारना है क्योंकि ये आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है। सांप सांप थे के नहीं, सांपेर नाम थे के ही भय। भारतवर्षे 95% सांप होच्छे निर्विष और 95% मानुष पैनी के मारा जाए, आतंक के मारा जाए, हार्ट अटैक के मारा जाए। सांप यदि कामड़ दे, सांप अगर काट ले तो सीधे पंचेत हॉस्पिटल, माइथन हॉस्पिटल, पीएमसीएच हॉस्पिटल, एलएम हॉस्पिटल, भूल से भी ओझागुनी का चक्कर में नहीं पड़िए और नहीं तो मारा जाइएगा। ये एक कोबरा सांप है, डरिए मत डरिए मत। एक जहरीला सांप है और जहरीला सांप जितने भी होते हैं, हमारे भारत में 6 जहरीले सांप पाए जाते हैं और 270 प्रजातियां हैं। ये गेहूं है, थोड़ा वीकनेस है, ये फीड्स वगैरह ले लेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर दिन इंडिया में ओझागुनी के चक्कर में 100-200 आदमी का मौत हो जा रहा है। हर दिन भारत में ओझागुनी का चक्कर में कुछ भी नहीं तो 200-300 आदमी का मौत हो जा रहा है। इसीलिए सांप काट ले, भूल से ओझागुनी का चक्कर में ना रहे, नहीं तो मारा जाइएगा, हॉस्पिटल जाइए। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा गाछ लगाइए, पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए और खास करके बेटी बचाइए और बेटी लोगों को पढ़ाइए। ये बहुत ही सुंदर सांप है। वो हमारा पाइप कहाँ है दादा? लाइए, और एक झोला था हमारा। हाँ हाँ, देखिए इस सांप को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फ्री हैंडलिंग ना करें। यूथ हमारी नकल करते हैं कि मुबारक जी इजी सांप पकड़ रहे हैं, हम भी पकड़ेंगे। तो फ्री हैंडलिंग हमने बंद कर दिया है, हमारा मिमिक्री कर रहा है लोग, क्या कर रहा है, हमारा नकल कर रहा है, उसमें लोग डेथ कर जा रहा है। तो देखिए बिना छुए हम किस तरह सांप अंदर जाएगा। ये साइंस का जमाना है और एजुकेशन का युग है, इसको अगर हम ऐसे दिखला देंगे तो आराम से इसके अंदर चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये बड़ा इजी प्रोसेस है। हम भी सेफ, सांप भी सेफ और आदमी भी सेफ। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। इसीलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाइए, गाछ वृक्ष लगाइए, पेड़ पौधा लगाइए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो चुका है। इस परिवर्तन को अगर रोकना है तो सबसे ज्यादा हमें गाछ और वृक्ष लगाना है। जय हिंद, जय भारत।